नमस्कार मित्रों, मैं राकेश शर्मा। आज हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा प्रायोजन नहीं था, लेकिन आज के मौसम को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि इस विचार ने बहुजन को बहुत सताया, कैसी होगी अजल अमर मानव की काया। इस वीडियो के साथ साथ आपको पीछे से काफ़ी आवाज़ें भी आ रही होंगी, और ये आवाज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तूफ़ान की आवाज़ें हैं। और ये वो तूफ़ान है जो प्रकृति हमें अभी से आगाह कर रही है, हमें सावधान कर रही है, सचेत कर रही है कि अगर हमने अपने क्रियाकलाप नहीं बदले, अगर हमने अपना लिविंग स्टाइल नहीं बदला, तो आने वाले सालों में हमें बहुत कुछ अभी देखने को नकारात्मक देखने को मिलेगा। आज दिल्ली के अंदर जो तूफ़ान आया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लगभग 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से आया है, और मैं आज रोड पर था साइकिल पर, और जब तूफ़ान आया तो मैंने यही सोचा, मेरे मन में यही विचार आया कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचूँ और किसी तरह से अपनी जान को बचाऊँ। ये तूफ़ान इतना तेज था कि कोई बड़ी बात नहीं कि ये किसी सड़क पर चलते हुए साइकिल सवार को या पिलियन राइडर को उड़ाकर ले जाता। बहुत ही तेज़ तूफान था और इसमें कई पेड़ जो है हताहत हुए, गिरे हैं, टूटे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तूफान आ रहे हैं बार बार, पिछले 5 से 6 सालों में ये देखा गया है, जब से ये एल नीनो इफेक्ट इंडिया में देखा गया है, उसके बाद से तूफानों की तेज़ी बढ़ती चली जा रही है हर साल। और हर साल मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मई और जून के महीने में हर साल ये तूफ़ान आते हैं, और ये हर साल इनका जो क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, इनकी जो वेलोसिटी है तूफ़ानों की वो बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, और मुझे नहीं लगता अभी तक हमारी सरकारों ने या जो एनजीओज हैं या इंडिविजुअल्स हैं इस बारे में कोई सिंसियर एफर्ट्स वो कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये एक तरह से ये इंडिकेटर है कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली जो है ख़ास करके वो राजस्थान के साथ सटा हुआ है, लगा हुआ है, और धीरे धीरे हम लोग डेजर्टिफिकेशन की तरफ, जो मरुस्थलीकरण है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखेंगे या और भी अन्य महानगरों में आप देखेंगे, जो पेड़ हैं उनकी हालत ये हो रही है कि वो थोड़ा सा भी आंधी तूफान आते ही टूट के गिर जाते हैं। और वजह ये है क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप ये जो अभी तूफान की आवाज़ सुन रहे हैं, ये आप अच्छे से सुन पाएंगे, तो एक तो ज़मीन के नीचे पानी नहीं रहा है, ज़मीन का हमने पानी सारा दोहन कर करके ख़त्म कर दिया, और वो जो वाटर टेबल थी अब वो चार्ज नहीं हो सकती क्योंकि हमने चारों तरफ कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है। RCC की सड़कें बननी शुरू हो रही हैं, पानी जो है बारिश का आता है वो गलियों में ठहरता है, लेकिन वो ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता क्योंकि सारा सीमेंट है, और वो बह करके नदियों में जाता है, नदियों से वापस समंदर में चला जाता है। ज़मीन को का पानी रिचार्ज नहीं हो रहा, लेकिन उसका इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। और आप देखोगे पेड़ों में, शहरों में पेड़ों की क्या हालात हैं। पेड़ जो हैं उनके आसपास सारा कंक्रीट कर दिया गया है, हालांकि NGT का ये आदेश है कि पेड़ों के आसपास 1.5x1.5 का एक जो है वो हमें ईंटों का जो है वो सेटअप बनाने की ज़रूरत है, जिसमें मिट्टी छोड़ी जाए ताकि जब भी बारिश आए तो बारिश का पानी पेड़ों की जड़ों में जा सके, उन्हें पूरा पानी मिले, तभी पेड़ स्वस्थ और हरे भरे रह सकते हैं। अब वो होता क्या है, कंक्रीट का सारा जो है उसके आसपास, पेड़ों के आसपास कंक्रीट ही कंक्रीट है, बारिश आती है, बारिश का पानी पेड़ों की जड़ों में नहीं जा पाता, उन्हें जो पानी चाहिए वो नहीं मिल पाता, पेड़ जो हैं मुरझाए हुए और सूखे रहते हैं, और फिर जब जरा सी भी बारिश आती है और हवा चलती है उससे वो हवा से आहत होकर के टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक हैबिटेट का हमारा लॉस है। तो दोस्तों, हमें ये जो चेतावनी आ रही हैं पिछले 5-6 सालों से, बहुत अंधड़ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये डेजर्टिफिकेशन की निशानी है, क्योंकि ज़मीन में पानी ख़त्म हो रहा है इसलिए मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो हालांकि दिल्ली जो है, दिल्ली इज़ द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट आप देखेंगे कि इसमें जो डेजर्टिफिकेशन की वजह से ही ये जो अंधड़ और आंधी तूफान आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये समय आ गया है हमें
प्रकृति की चेतावनियों को समझना चाहिए, हमें अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाना होगा, बहुत ज़्यादा जो है एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मोह छोड़ दें, त्याग दें, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ही जो हैं ये हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रही हैं। इसमें से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, चाहे वो एयर कंडीशन हो चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, ये हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। अभी भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो आने वाले जो अगले 5-6 सालों में एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मैं आपको दावा करता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा प्रकृति के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और हमें ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ वो घटित हो। हम लोग तो फिर भी शहरों में रहते हैं, मकानों में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, खुले इलाकों में, गाँव में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में या जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स में रहते हैं, ज़रा सा भी आंधी तूफान आने से उनके मकान गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं और कई लोग हताहत हो जाते हैं। तो हमें अपने अब जो क्रियाकलाप हैं उनमें बदलाव लाना होगा, हमें वो सब काम करने होंगे जो प्रकृति के विरुद्ध ना जाएं, जो प्रकृति के को बढ़ावा दें, प्रकृति का विस्तार करें, प्रकृति की रक्षा करें, संरक्षण करें। हमें अपने जीव जंतुओं को बचाना है, हमें अपने जो है संसाधनों को बचाना है और हमें अपने जो आदतें हैं उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पहले एक ज़माना था जबकि एक राज्य का एक राजा होता था और बाकी सब प्रजा होती थी, लेकिन आज ये ज़माना आ गया है कि हर इंसान अपने आप को राजा समझने लगा है और वो एक राजा की ही ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हर इंसान राजा की ज़िंदगी जिएगा तो उसका प्रकृति के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और क्या उसके नतीजे और परिणाम होंगे। राजा की भी हम ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आबादी को काबू में करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल में करें, क्योंकि ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ये सब बढ़ती हुई आबादी के ही दुष्परिणाम हैं। प्रकृति के ऊपर वजन बढ़ रहा है, उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, उसके संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। तो हमें आज से ही, अभी से ही संभल जाना चाहिए और प्रकृति जो रह रह के हमें संदेश दे रही है उसे समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो प्रकृति की आप खामोशी को पहचानें, उसकी ज़बान को पहचानें, समझें और प्रकृति की रक्षा करें। इस संदेश के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।